इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का अहम सवाल, क्या अब सेक्युलर पार्टियां भी टीपू सुल्तान को भूलने लगी है? भारतीय जनता पार्टी की खूबी यह है कि वह अपने वोट बैंक को नाराज नहीं करती। उसे खुश रखने के लिए भाजपा के जरिए तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिससे उसके वोट बैंक तुष्टिकरण यानी तस्कीन होती रहे। लेकिन इसके बरक्स दिगर नाम निहाद सेक्युलर दलों की सबसे बड़ी खामी यह है कि ये दल भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी की नाकाम कोशिशें करते रहते। भाजपा के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की इन दलों की कोशिशें न सिर्फ नाकाम हुई है, बल्कि यूपी जैसे राज्यों में सपा कांग्रेस का रिवायती वोट बैंक भी खिसक कर भाजपा के पाले में चला जाता है। भाजपा को लगता है कि उसका वोट बैंक मुसलमानों को टाइट रखने से कुछ रहता है और रोटी रोजगार सेहत जैसे तमाम मुद्दे भूल जाता है, इसलिए भाजपा के जरिए ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं और बेशक इसमें भाजपा को कामयाबी हासिल होती है। भाजपा की बदौलत ही आज सेक्युलर दल लफ्ज मुस्लिम का नाम लेने से भी डरने लगे हैं और अपना सेक्युलरिज्म छोड़ भाजपा के फिरका परस्ती को अपना रहे या उसके बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर बीते 19 और 20 नवंबर को देश के दो महान शख्सियतों की यौम पैदाइश मनाई गई। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई थी, जिस पर भाजपा समेत तमाम सियासी दलों ने उनके बहादुरी को सलाम पेश किया था। लेकिन इसके अगले ही दिन यानी कि 20 नवंबर को ना सिर्फ भारत की तारीख बल्कि आलमी तारीख में शेरे मैसूर के नाम से दर्ज मिसाइल मैन पहला मुजाहिद आजाद टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश थी, लेकिन उनकी यौम पैदाइश पर किसी भी सेक्युलर दल ने उन्हें याद करना भी जरूरी नहीं समझा। शायद टीपू को याद न करने वाले सेक्युलर दलों के नेताओं को लगा होगा कि अगर टीपू जयंती पर उन्हें याद किया गया तो इससे हिंदू नाराज हो जाएगा, क्योंकि भाजपा अपने एजेंडे पर चलते हुए टीपू सुल्तान के किरदार पर कीचड़ उछालती रहती है। टीपू को हिंदू कुछ बताने में भाजपा पीछे नहीं रही। तारीख के हकायक से बेपरवाह भाजपा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को यह पैगाम देने में कामयाब रही है कि भारत पर हुकूमत करने वाला हर एक मुस्लिम बादशाह हुक्मरान हिंदुओं पर जुल्म करता था, इसलिए मुगलों से लेकर टीपू सुल्तान तक सभी को हमलावरों के जमरे में डाल दिया गया। इतिहास में भले ये लोग नायक और हीरो है, लेकिन भाजपा ने मौजूदा हालात के मद्देनजर इन्हें खलनायक या विलन साबित कर दिया है। इसमें बहुत हद तक कामयाब भी वो होते नजर आ रहे। भाजपा की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उसने खुद को सेक्युलर बताने वाले तमाम सियासी दलों को भी अपने एजेंडे पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। यही है वजह कि 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करने वाले सेक्युलर दलों के चोटी के नेता 20 नवंबर को शहीद टीपू जयंती पर ऐसे काम उच रहे मानो टीपू सुल्तान का तारीख में कोई किरदार ही नहीं हो, जबकि इसी देश में यौम जमहूरियत पर निकाले जाने वाले परेड में टीपू सुल्तान की झांकी निकाली गई थी। आज के वजीर आला येडियुरप्पा ने तो उस वक्त टीपू सुल्तान की पगड़ी भी पहन ली थी। आज नफरत की नजर से देखने वाले वजीर आला भाजपा से अलहदगी इख्तियार करते हुए केजीपी बनाई थी और मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए यही येडियुरप्पा टीपू सुल्तान के लिबास में दिखाई दे रहे थे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने टीपू जयंती को रियासत में सरकारी तौर पर मनाया था, लेकिन इसके बाद कर्नाटक में आई भाजपा सरकार ने इस फैसले को पलट दिया। इसकी वजह यह थी कि जब कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने टीपू जयंती मनाने का फैसला लिया तो इसके मुखालफत में कर्नाटक में भाजपा और हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से पुरतशद्दुद एहतजाज भी किया गया। इसके बाद सूबे में आई भाजपा सरकार ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीपू जयंती मनाने पर रोक लगा दी। भाजपा अपने वोट बैंक को साधने का कोई भी मौका नहीं चूकती, लेकिन सेक्युलर दल भाजपा के एजेंडे पर चलकर देश के सेक्युलर आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। क्या टीपू सुल्तान मुस्लिम हुक्मरान होने की वजह से इनकी यौम पैदाइश मनाने से मुसलमानों के अलावा दिगर वोटर्स नाराज होने का डर अब इन्हें भी सताने लगा है? आखिर जमहूरियत के मायने या आखिरकार सभी सियासी पार्टियों ने बदलने का क्या फैसला कर लिया है? टीपू सुल्तान पहले मुजाहिद आजाद जिसने गुलामों को आजादी का सबक सिखाया, अपना घर बार औलाद दौलत स
सब कुछ इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। वैसे तो उस वक्त मुहैदे के मौके टीपू सुल्तान के पास भी थे, लेकिन इस शेरे हिंद ने भारत को गुलामी में जाते देखा था, लिहाजा वही तारीखी जुमला दोहराया जो आज भी याद किया जाता है कि गीदड़ की 7 साल जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी। लिहाजा अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जहां में शहादत दोष फरमाया, पर अफसोस सद अफसोस उस शेर को यह मालूम नहीं था कि अंग्रेजों के जासूस एक दिन इख्तदार पजीर होंगे और पहले मुजाहिद आजादी को ही देशद्रोही बनाया जाएगा। आज कर्नाटक और बेलगाम के मुख्तलिफ चौक रास्तों के नाम जो टीपू शहीद के नाम से मंसूब है, इन्हें बदलने की मांग की जा रही है। जिसका मुशीर पुरनैया पंडित था, जिस मंदिर को मराठों ने तोड़ा था उसकी मरम्मत शहीद टीपू ने की थी, रंगनाथ स्वामी मंदिर में हर रोज ब्राह्मणों को खाना खिलाने वाला बादशाह के तौर पर टीपू शहीद को याद किया जाता रहा, सैकड़ों मंदिरों को सरकारी खजानों से इमदाद की, लेकिन आज इसी इंसाफ पसंद हुक्मरान को देशद्रोही ठहराने की कोशिश कर तारीख के औराद से ना मिटाने की कोशिश को बेहद शर्मनाक कहा जाता है। तमाम कोशिशें भाजपा संघी विचारधारा की जमातों की जानिब से करना तो समझ में आता है, क्योंकि आजकल तो मुस्लिम मुखालिफत के इर्द गिर्द ही सियासत चलती रहती है, पर उन नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों को क्यों सांप सुन गया था। इन्हें भी मौजूदा सियासत की बुनियाद ही मुस्लिम दुश्मनी का एहसास तो होता नहीं जा रहा, वरना रानी लक्ष्मीबाई की यहां में पैदाइश पर तो खुलेआम खराज अकीदत पेश किए गए, पर टीपू सुल्तान को भूल जाना महज अक्सरियत हिंदुओं को नाराजगी से बचाना ही कहा जा सकता है, जिसके नतीजे आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि देश हिंदू राष्ट्र की तरफ चल पड़ा है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।